मुंगेर में शॉर्ट सर्किट से बेकरी दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पेट्रोल पंप पर संचालित है दुकान, लोगों के बीच मची अफरा तफरी। दरअसल मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत BNB चौक के संयुक्त संचालित सितारिया पेट्रोल पंप परिसर स्थित हैप्पी बेकरी दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक दुकान में आग लग गई। हालांकि आगलगी के दौरान दुकान मालिक सहित पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मियों के द्वारा अपनी तत्परता को दिखाते हुए पेट्रोल पंप पर रखे फायर ब्रिगेड के सहारे तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान आगलगी की घटना में किसी की हताहत नहीं हुई, लेकिन दुकान के अंदर खाने वाले स्वादिष्ट व्यंजन के अलावा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। जानकारी देते हुए हैप्पी बेकरी के मालिक कुणाल सितारिया ने बताया कि दुकान पर मेरा भाई मौजूद था, आग कैसे लगी या किसी ने देखा नहीं, लेकिन अनुमानित बिजली के शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है। आग लगने के बाद अचानक दुकान के अंदर लगा हैपन मशीन और फ्रिज के अलावा टीपर फ्रीजर के शीशा इधर उधर फूटने लगे, जिसके बाद भाई के द्वारा मुझे फ़ोन कर बताया गया और हम लोग आए और पेट्रोल पंप पर रखा फायर ब्रिगेड के सहारे आग को बुझाया। वहीं आग बुझाने के दौरान दुकान के अंदर रखा पिज्जा, पेटीन केक के अलावा खाने पीने वाला अन्य स्वादिष्ट व्यंजन पूरी तरह से केमिकल पड़ने के कारण बर्बाद हो गया। बता दें कि जिस जगह पर बेकरी का दुकान है उसी जगह पर पेट्रोल पंप भी संचालित हो रहा है। ऐसे में अगर जरा भी आग विकरार रूप धारण कर लेता और आग को बुझाने में थोड़ी भी चूक होती तो शहर के लिए बड़ा हादसा का कारण बन सकता था। ऐसे में पेट्रोल पंप को जलाने से किसी हालत में नहीं बचाया जा सकता था। हालांकि जिस वक्त आगलगी की घटना हुई थी उस वक्त पेट्रोल पंप पर कई वाहन चालक अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे थे। जब उन लोगों को पता चला कि बेकरी में आग लग गई है तभी पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर के बाद जब दुकान मालिक और पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया तभी आसपास के कई लोगों ने राहत की सांस ली। इधर आगलगी की घटना के बाद देखने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी। बाहर थे लेकिन हमको आदमी लोग भाई लोग फोन किया है कि आग लग गया तो दौड़ गया है तो पता चला कहीं शॉर्ट कर गया और अच्छा। तो जब तक वो बहुत आग लग चुका था तो संजोग से मेरे पास ट्राई केमिकल पाउडर है तो उससे हम लोग 3-4 वो कम से कम खपत हुआ है तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन देखने को लग रहा है बैटरी पिज्जा AC फ्रिज सब लगभग चल गया, पूरा मैं पूरा डैमेज हो गया, स्पार्ट कर गया। ये भी पता चल गया आग किस बात कहाँ से हुई और बात मुझे पता चला मेरे क्या इलेक्ट्रिक से ही प्रॉब्लम हुआ है, इलेक्ट्रिक पोर्ट से हुआ है क्या हुआ हमको लग रहा है इलेक्ट्रिक से पोर्ट से ही प्रॉब्लम हुआ। कितने की क्षति हुई होगी आपके? मेरे ख्याल से 4-5 लाख रुपया का लगता नुकसान हुआ है। देखिए मेरा भाई लोग बोला है कि भैया आग लग गया आप कैसे लगा, हम दौड़ के तो वहाँ देखे तब तक बहुत आग लग चुकी थी। यानी कि आज मेरा तो है 5 को फ्रिज है, अच्छा काउंटर है 5 को, एक फ्रिज है और एक आइसक्रीम फ्रिज है, पिज्जा ओवन है, पैटीज ओवन है और 2 को AC लगा हुआ है। अभी फिलहाल चला बैटरी पिज्जा और AC 2 टन का AC है वो और फ्रिज और काउंटर का कमरे 4-5 लाख रुपया है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल सितारिया है। कहाँ घर पड़ता है? मुंगेर बड़ी भैया।